हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिनेश एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, आज अपन इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं हिंदी में, अब अपन इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और आज अपन केवल प्रैक्टिस करेंगे। ओनली फॉर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, इसके लिए अपन को सेंटेंसेज और टेंसेज की नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैंने पिछली क्लास में पूरे टेंसेज एंड सेंटेंसेज को अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए कि टेंस क्या होता है और सेंटेंस क्या होते हैं, तब जाके आप ये सेंटेंसेज हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास केवल स्पीकिंग क्लास है। ओनली फॉर क्या है? स्पीकिंग क्लास है। आज अपन केवल स्पीकिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की, ओनली फॉर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं खाता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपन प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की। रोज प्रेजेंट, आज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, कल प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऐसे ही अपन रोज हर एक टेंस की, एक एक टेंस की अपन इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप इंग्लिश में बोलना सीख सकते हो। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं खाता हूँ। खाता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। मैंने आपको बताया था जब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ाया था कि जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये वर्ड्स आते हैं तो तुरंत समझ जाइएगा वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। अब उसके बाद में ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। और मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस में अपन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं, तो जल्दी से बन जाएगा ये सेंटेंस बहुत इजीली से। मैं खाता हूँ, सब्जेक्ट है आई, इट। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस बन गया अपना आई इट, फर्स्ट बन गया अपना आई इट। सेकेंड है, मैं नहीं खाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में जाते ही, नेगेटिव में जाते ही वह डू डज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू डज। केवल इंडेफिनेट में ही ऐसे ही इसका यूज किया जाता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में जाते ही डू डज का यूज किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस है, मैं नहीं खाता हूँ। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए अपन यहाँ डू का यूज करेंगे। आई डू नॉट एट, मैं खाता हूँ। आई एट, मैं नहीं खाता हूँ। आई डिड नॉट एट, मैं खेलता हूँ। आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट एट, मैं नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं सोता हूँ। आई डिड नॉट स्लीप। ऐसे आप सेंटेंसेज को बना सकते हैं। क्यों? आपको क्या करना है कि एक वर्ब लेनी है कोई सी भी, चाहे वो खेलना, कूदना, सोना, उठना, बैठना, कोई सी भी एक वर्ब लेनी है और उसकी इंग्लिश पता करनी है और ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। सबसे पहले पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, इंटरगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करो। मैं कहता हूँ आई इट, यहाँ क्या ली मैंने, वर्ब ली इट, खाना एक वर्ब ली और उसको नेगेटिव में कर दिया, नेगेटिव वर्ड का यूज कर दिया तो नेगेटिव हो गया। अब अपन उसको इंटरगेटिव बना सकते हैं। मैं क्यों खाता हूँ, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज कर दिया, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज हो जाए तो इंटरगेटिव हो जाएगा। इंटरगेटिव में होता है क्या कि क्वेश्चन पूछ जाता है, तो ये खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं क्यों खाता हूँ। अब इंटरगेटिव में क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाती है, तो वाई डू आई इट, वाई डू आई इट। फर्स्ट सेंटेंस था, मैं खाता हूँ आई इट, मैं नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट इट, मैं क्यों खाता हूँ। वाई डू आई इट, वाई डू आई इट। अब मैं कैसे खाता हूँ, वाई मैं कैसे खाता हूँ, कैसे भी इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, हाउ डू आई इट, हाउ डू आई इट, मैं कैसे खाता हूँ, हाउ डू आई इट। मैं क्यों खाता हूँ, वाई डू आई इट, मैं क्यों खेलता हूँ, वाई डू आई प्ले, मैं क्यों सोता हूँ, वाई डू आई स्लिप, मैं क्यों हंसता हूँ, वाई डू आई लाफ, मैं क्यों बोलता हूँ, वाई डू आई स्पीक, मैं क्यों सोता हूँ, वाई डू आई स्लिप, मैं क्यों लिखता हूँ, वाई डू आई राइट, मैं कैसे लिखता हूँ, हाउ डू आई राइट, मैं कैसे हंसता हूँ, हाउ डू आई लाफ, मैं कैसे बोलता हूँ, हाउ डू आई स्पीक, हाउ डू आई स्पीक, मैं कैसे बताता हूँ, हाउ डू आई टेल, हाउ डू आई टेल, मैं कैसे पूछता हूँ, हाउ डू आई आस्क। आपको करना क्या है, एक वर्ब लेनी है और पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव रखना है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके
प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, मैंने यहाँ पर एक वर्ब लिए खाना, खाने को मैंने पॉजिटिव में रखा, नेगेटिव में रखा और फिर इंटरोगेटिव में एडब्ल्यूएच वर्ड का यूज करो। मैं क्यों खाता हूँ, व्हाई डू आई ईट, मैं कैसे कहता हूँ, हाउ डू आई ईट, कैसे वो इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, हाउ डू आई ईट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ। अब कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले जाती है। तो क्या मैं खाता हूँ, डू आई इट, क्या मैं खाता हूँ, डू आई इट, यहाँ पर इंट्रोगेटिव का यूज करो क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं खाता हूँ, डू आई इट, क्या मैं हंसता हूँ, डू आई लाफ, क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक, क्या मैं लिखता हूँ, डू आई राइट, क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक, क्या मैं बातें करता हूँ, डू आई टॉक, डू आई टॉक, क्या मैं पूछता हूँ, डू आई आस्क, क्या मैं बताता हूँ, डू आई टेल, क्या मैं बैठता हूँ, डू आई सिट, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, क्या मैं खाता हूँ, डू आई इट, क्या मैं खाता हूँ, डू आई इट। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है, अब यहाँ पर एक वर्ब तो कंप्लीट होती है खाना, मैंने एक वर्ब लिख खाना, उसको इंग्लिश बोलते हैं इट, उसको मैंने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखा। अब रखने के बाद क्या किया, उसके अपन ने सेंटेंस बना लिए। फर्स्ट सेंटेंस बनाया अपन ने पॉजिटिव सेंटेंस, मैं खाता हूँ आई इट, उसके बाद में नेगेटिव वर्ड का यूज कर लिया, नेगेटिव बन गया, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट इट। उसके बाद में नेगेटिव बन गया, अब इंट्रोगेटिव की बारी आती है, तो इंट्रोगेटिव में अपन ने क्या कर लिया, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज कर दिया। डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, देखो डब्ल्यू एच वर्ड, यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड होते क्या है, डब्ल्यू एच मतलब होता है कि जिन वर्ड्स के सबसे पहले, जिन वर्ड्स के पहले डब्ल्यू एच हो तो वो होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। जैसे वाट, डब्ल्यू एच आ रहा है ना, वाई, डब्ल्यू एच आ रहा है, डब्ल्यू एच आ रहा है ना, वाट, वाई, वैन, तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड कहलाते हैं। अब उसके बाद में हाउ, हाउ और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं वो भी डब्ल्यू एच वर्ड कहलाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछने में काम आते हैं, तो इसलिए अपन इनको डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड वाट, वाई, वैन, ये होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। अपन ने वर्ब ली थी इट, अब उसके बाद में अपन ने पॉजिटिव नेगेटिव इंटरगेटिव में उसको अच्छे से प्रैक्टिस की। मैं खाता हूँ आई इट, मेरे साथ बोलो आप भी, मैं खाता हूँ आई इट, मैंने खाता हूँ आई डू नॉट इट, मैं क्यों खाता हूँ, व्हाई डू आई इट, मैं कैसे खाता हूँ, हाउ डू आई इट, क्या मैं खाता हूँ, डू आई इट, क्या मैं खाता हूँ, डू आई इट। उसके बाद में वर्ब चेंज की, खेलना वर्ब ले लिया, तो मैं खेलता हूँ आई प्ले, आई प्ले। ये याद रखना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब में ऐसे ही इसका यूज करते हैं, डू डज का अपन नेगेटिव इंटरगेटिव में करते हैं। तो वर्ब चेंज की, मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ आई डू नॉट प्ले, नेगेटिव होते ही डू डज का यूज करते हैं आई डू नॉट प्ले, नेगेटिव होते ही डू डज का यूज करते हैं और डू का यूज अपन करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए अपन डू का यूज किया। मैंने खेलता हूँ आई डू नॉट प्ले, मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैंने खेलता हूँ आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। उसके बाद में मैं कैसे खेलता हूँ, हाउ डू आई प्ले, मैं कैसे खेलता हूँ, हाउ डू आई प्ले, मैं क्यों खेलता हूँ, व्हाई डू आई प्ले, व्हाई डू आई प्ले, व्हाई डू आई प्ले, देखो कितनी इजीली से सेंटेंस बन रहे हैं। आई डू नॉट प्ले, मैंने खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं हंसता हूँ, आई डू नॉट लाफ। आपको करना क्या है कि एक वर्ब लेनी है कोई सी भी और उसको नेगेटिव इंटरगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हिंदी में और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। अपन ने टेंस अच्छे से पढ़ रखे हैं और इनमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, स्ट्रक्चर में जमाओ और तुरंत इंग्लिश बोलो। अभी भी आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं खाता हूँ आई इट, मैं नहीं खाता हूँ आई डू नॉट इट, मैं क्यों खाता हूँ व्हाई डू आई इट, मैं किसे खाता हूँ हाउ डू आई इट, क्या मैं खाता हूँ डू आई इट, मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ आई डू नॉट प्ले, मैं कैसे खेलता हूँ हाउ डू आई प्ले, मैं क्यों खेलता हूँ व्हाई डू आई प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं खेलता हूँ, अभी इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होती है जो पहले जाएगी, क्या मैं खेलता हूँ डू आई प्ले, डू आई प्ले। फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने अच्छे से प्रैक्टिस की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की। मैंने यहाँ पर ओनली फॉर टू वर्ड्स लिए, एक तो खाना और एक
खेलना, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं इट और खेलने को बोलते हैं प्ले। आपको करना क्या है कि कोई सी वर्ब लेनी है, कोई सी भी, चाहे कोई सी ले लेना, हंसना, रोना, खेलना, उठना, बैठना, कोई सी भी वर्ब लेनी है और सेंटेंसेस में रखना है, पॉजिटिव में, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव में रखना है और उसको ट्रांसलेट करना है। अब मेरे साथ प्रैक्टिस करिए आप। सबसे पहले तो मैं खाता हूँ, आई इट, मैं क्यों खाता हूँ, वाई डू आईट, मैं कैसे खाता हूँ, वाई डू, हाउ डू आईट, मैं कैसे खाता हूँ, हाउ डू आईट, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट इट। वर्ड चेंज कर लो, वह पीता है ही ड्रिंक्स। अब आपने नोटिस किया कि मैंने यहाँ पर एस या ईएस का यूज किया है, ड्रिंक में मैंने एस का यूज किया है। एस का यूज क्यों किया है, बिकॉज ही इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट और मैंने आपको बताया था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब एस या ईएस का यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर ही के साथ एस या ईएस का यूज किया है। वह पीता है ही ड्रिंक्स, वह नहीं पीता है, ही डू नॉट ड्रिंक्स, सॉरी, ही डज नॉट ड्रिंक्स, वह नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक्स, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए अपन डज का यूज करेंगे। ही डज नॉट ड्रिंक, वह क्यों पीता है, व्हाई डज ही ड्रिंक, व्हाई डज ही ड्रिंक, क्या वह पीता है, डज ही ड्रिंक, क्या वह पीता है, डज ही ड्रिंक, क्या वह खेलता है, डज ही प्ले, डज ही प्ले, क्या वह बोलता है, डज ही स्पीक, क्या वह बताता है, डज ही टेल, क्या वह तुम्हें बताता है, डज ही टेल यू, डज ही टेल यू, क्या वह बातें करता है, डज ही टॉक, क्या वह हंसता है, डज ही लाफ, क्या वह पीता है, डज ही ड्रिंक, वह कैसे पीता है, हाउ डज ही ड्रिंक, वह कैसे बोलता है, हाउ डज ही स्पीक, वह कैसे पूछता है, हाउ डज ही आस्क। और वर्ब चेंज कर लीजिए, पीना हो गया, बैठना ले लीजिए, मैं बैठता हूँ, आई सिट, मैं कैसे बैठता हूँ, हाउ डू आई सिट, मैं क्यों बैठता हूँ, व्हाई डू आई सिट, मैं नहीं बैठता हूँ, आई डू नॉट सिट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने प्रैक्टिस की और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना। मैं कहता हूँ आई इट, मैं नहीं कहता हूँ, आई डू नॉट इट, मैं क्यों कहता हूँ, व्हाई डू आई इट, मैं कैसे कहता हूँ, हाउ डू आई इट, क्या मैं खाता हूँ, डू आई इट, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, मैं कैसे खेलता हूँ, हाउ डू आई प्ले, मैं क्यों खेलता हूँ, व्हाई डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, व्हाई प्ले, व्हाई प्ले क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने ओनली फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के इंग्लिश में प्रैक्टिस की। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।